पहुंच चुके हैं निधिवन, आपको दिखाते हैं निधिवन, चलते हैं अंदर। जो है वृंदावन का कुंजन वन, दूसरा नाम है इसका सेवा कुंज वन, निकुंज वन। रास लीला करते करते राधा रानी थक गई थी, कृष्ण भगवान ने चरण सेवा करी, नाम पड़ा सेवा कुंज। ये जंगल में आज भी रात में कोई नहीं रहता है, यहाँ भगवान आज भी रासलीला करते हैं। कोई छुप के देखता है तो मर जाता है, पागल हो जाता है। अब तो मिलेगा मंदिर में कपड़ों का सिंगार, रात्रि में 12 महीने फूल की सेज लगती है। पुजारी लोग 4 दांतों लड्डू पान का बीड़ा ताला लगा कर चले जाते हैं। सवेरे जब मंगला आरती होती है तो लड्डू फूटा मिलता है, कभी पान चबा मिलता है, कभी दातिन करी मिलती है, लुटिया में जल नहीं मिलता, चिन्ह मिलते हैं। पहले वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था, ऐसा ही जंगल था पूरा वृंदावन। यहाँ जो आपको दर्शन मिलेगा वो संसार के किसी तीर्थ पे नहीं मिलेगा। संसार की चर्चा छोड़ दो, ये दर्शन आपको 3 लोक में नहीं मिलेगा, ये दर्शन आपको वैकुंठ में नहीं मिलेगा। हे माता राम, आप यात्रा कर रहे हो, उसका कारण तो पूछिए कि क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बोलो। जब आनंद आता है बाबू यात्रा कराने में, वैकुंठ में विष्णु भगवान के पैर कौन दबाती हैं? जोर से बोलो, लक्ष्मी जी। महादेव बाबा के कौन दबाती हैं? पार्वती जी। और रामचंद्र जी के? सीता माता। वृंदावन है प्रेम धाम, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार, कौन पावे जाको पार। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ऋषि मुनि गए हार। यहाँ राधा रानी के पैर दबा रहे हैं कृष्ण भगवान। राधा रानी के पैर कौन दबा रहे हैं? कृष्ण भगवान। ये वैकुंठ में दर्शन है या 3 लोक में कहीं है या किसी तीर्थ पे है? ये सिवाय यहाँ के और कहीं नहीं है। बोलो राधा रानी की जय। अरे हंस तो लो कब से। निधि बनेगी, यही निधिवान कुंजन वन निकुंज वन सेवा कुंज यही है। अच्छा। राधे बोलो, राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे बोलो, राधे राधे। वृंदावन में डोलो, राधे राधे। राधे राधे बोलो, राधे राधे। वृंदावन में डोलो, राधे राधे बोलो। जो भी करना थाली में पटकना, इधर से निकलना, इधर से आ जाओ। गाइस दर्शन हो चुके हैं और मैंने करा दिए आपके दर्शन। सोनू को स्नेह में जो रहा है, यहाँ स्नेह के लिए बोले, फिर सोनू को जो रहा है स्नेह में। सोनू बहुत आलसी जीव है आज यार, फिर में एनर्जी नहीं लग रही यार, मेरा खुद में नहीं लग रही यार, खराब हो रही गाइस। सॉरी कि 2 दिन और दर्शन एक नंबर हुए गाइस, चुपके से वीडियो बना लिया, वैसे बनाने नहीं देते, बना लिया मैं तो। जय हो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा रानी की एक बार सब लोग हंस लीजिए। सुनो बाबू, बैठ जाओ। रास लीला करते करते ललिता सखी को प्यास लगी थी, कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद के ललिता सखी को जल पिलाया था। ये पहले कच्चा था, भक्त लोग ने पक्का बनाया है। एक बार बोलो ललिता सखी की जय हो। बैठो दादा, कपड़ों से लगे यहाँ की मिट्टी थोड़ी। जब कृष्ण भगवान ने यहाँ कालियो नाग नाथा था, चीर चुराए माखन खाए रासलीला, वो द्वापर युग था। इस समय कौन सा युग है? कल युग। 5,500 वर्ष पुराना कोई भी मंदिर नहीं है द्वापर युग का। द्वापर युग का कोई भी पेड़ नहीं है। पेड़ टूट जाएगा तो नया पेड़ लग जाएगा, मंदिर टूट जाएगा तो नया मंदिर बन जाएगा उसी स्थान पे। कृष्ण भगवान के जमाने का पेड़ नहीं और द्वापर युग का कोई भी मंदिर नहीं। केवल 3 निशानी है उसके जमाने की, आज भी 3। एक तो ये भूमि जिसमें बैठे हुए हो, दूसरी वो जमुना मैया उसी जमाने की है, और तीसरा गोवर्धन पर्वत जो उठाया था भगवान ने। ये 3 निशानी भगवान के जमाने की हैं। मंदिर तो टूटते फूटते नहीं बनते हैं, और पेड़ भी टूटते फूटते नहीं बनते हैं। सब लोग थोड़ा जमीन में हाथ लगाइए दोनों,
मुख से बोलो पाप दूर। कोई दो ब्राह्मण का जोड़ा का भोजन इतने बीच में, जोड़ा का भोजन दो सह का भोजन है, जोड़ा का भोजन जिसको बनाया हो जमुना मैया ने जोड़ा लायक, ये हमारे परिवार की खेती है बाबू, देना खुशी से बस। ये भैया जी का यात्रा सुपल आपकी लुंगा सबसे अयोध्या नाथ की ब्रज भूमि यात्रा हुई। ये है राधिका वल्लभ और हम उधर है राधा वल्लभ। तो गाइस पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ मंदिर, ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी महाराज की। मंदिर के दर्शन बंद हो रखे हैं, भोग लगेगा तो हम ये पुराना मंदिर है राधा वल्लभ जी का, ये देखो पहले ये वाला था फिर नया बना दिया, तो इसमें बैठे अभी छाया में, गर्मी हो रही बात, और यहाँ पर फोटो वीडियो बना सकते हैं, पूछ ली पंडित जी से बता दी फोटो खींचो वीडियो बनाए तो आपको दिखाएंगे, अभी दर्शन खुल जाए एक बार। चलते भीड़ है खतरनाक लगते है लाइन में यार, ये तो फिर टाइम लगेगा, तो दिखाता हूँ आपको भी कराता हूँ देखा दर्शन। गाइस फाइनली इतनी भीड़ के बाद अंदर आ चुके हैं और दर्शन करवा वाले आ गए व्यवस्था के लिए, देखो भीड़ देखो अभी अंदर नहीं जाने दे रहे, पहले बाहर निकाल रहे हैं अंदर जगह कर रहे हैं, देखो भीड़ इसलिए इतनी भीड़ हो रही थी, पहले कोई पुलिस वाला नहीं था जस्ट अभी आया, तो व्यवस्था सही हो चुकी है। वो महाराज घोड़ की दरवाजे पे जो बाकी बिहारी ला लेकिन जय बारह बज चुके हैं, बाकी बिहारी जी के भी दर्शन हो गए, अब चलेंगे होटल खाना वाना खाएंगे, फिर शाम को चलेंगे बाकी जो प्रेम मंदिर है गिरिराज जी, तो बताएंगे आपको दर्शन एक नंबर होगा इस, बढ़िया कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से दर्शन कर लिया, आपने भी कराई दिया दर्शन, बस थोड़ी सी दिक्कत आई थी शुरू में और बाहर निकलते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बाकी दर्शन अच्छे हुए। 12:30 बज चुके हैं, बाकी बिहारी जी दर्शन करके निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं होटल, वहाँ पर खाना वाना बन चुका है, चलते हैं और शाम को चलेंगे प्रेम मंदिर और गिरिराज जी के।
गुरु के पास चलेंगे, वहाँ का अलग ही डालेंगे ब्लॉग और वहाँ का टेस्ट करके बताएंगे वहाँ का, मतलब सच में टेस्ट आता है लोगों ने बस बना किसकी छोरी? रूपा कचोरी। अच्छा रूपा कचोरी, उनका एक डायलॉग मुझे बहुत याद है, ये कचोरी खुली दो जिसमें एक जान, मसाला अलग हो गया तो ये कचोरी बेकार है, अगर मसाला और मैदा चिपका रह गया तो ये कचोरी पहली होगी। माँ मजा सूखी खाए तो मजा, गीली हो जाए तो माँ मजा, जरा ऐसी बातें बोल रहे हो। अच्छा तो गाइस ये जानता है कोई फेमस कचोरी वाला है यहाँ पर, तो देखते हैं वहाँ पर जाना होगा तो फिर वहीं चलेंगे खाने, टेस्ट तो करें यहाँ का फेमस है कितना। मेरा गला बैठ गया है आज, मैं ढंग से बोल नहीं पाऊंगा। खाना खाया वो हमारा एक दंतों को ब्लॉग बनाया जो हमारी तबीयत खराब होगी, कोई बुखार चढ़ गई कोई। और एक गाइस मारवाड़ी पे आ चुका है वापस, मैं तो सन पहनी हो रही बोलने की, मैं क्या करूँगी, गला बैठ गया मेरा, और पहुंच चुके हैं हम होटल, और रूपा कचोरी वाला यहाँ से 12 किलोमीटर है तो आना जाना हो गया 24 किलोमीटर, तो रिक्शे वाले भैया मना कर दिया हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, बैटरी वाले तो कैसे जाए, और वो खुला रहता है सिर्फ 2 बजे तक, और अभी 1 बज चुके हैं, 1 घंटा मतलब आधा घंटा जाने में लग गया, और क्या पता मिले ना मिले आज, और वैसे शाम को जाएंगे वहाँ पर मथुरा में, तो फिर कर लेंगे वहाँ पर जाके प्लान कि जाना ही नहीं जाना। तो गाइस 3:42 हो चुकी है और दोबारा रवाना हो चुके गाइस, जो मंदिर बच गए थे ना प्रेम मंदिर वैष्णो देवी, 3-4-5 मंदिर है तो दर्शन करने चले प्रेम मंदिर के, शाम का इसलिए कि वहाँ पर लास्ट में दर्शन करेंगे, रात की लाइटिंग दिखाएंगे आपको, फिर पहले सारे दर्शन करके फिर लास्ट में चलेंगे सारे दर्शन करके प्रेम मंदिर, तो रात की लाइटिंग दिखाएंगे, 1 घंटा रुकेंगे वहाँ पर। 11 देने गए तो गाइस 4 बज चुके हैं और कृष्ण जन्मभूमि आ चुके हैं हम दर्शन करने, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है तो चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं, पैदल जाना पड़ेगा गली में। तो गाइस अंदर वीडियो नहीं बना सकते, कृष्ण जन्मभूमि आप देख सकते हैं, भीड़ यहाँ पर भीड़ लग रही है लोकर की, तो ये इसमें रख दिए पूरे फ़ोन और हम खड़े रहेंगे 3-4 जने, हम 4 जने यहाँ पर खड़े, बाकी दर्शन करके आ जाए सब, तो आप बाहर से देख लो, अंदर तो वीडियो बनाने देंगे नहीं क्योंकि फ़ोन नहीं ले जा सकते। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गाइस 5 बज चुके हैं, दर्शन करके आ चुके हैं, सब चल रहे हैं और अंदर बहुत गर्म हो रखा है यार, पूरा पत्थर, तो चलते हैं दूसरी जगह। तो गाइस 5:40 हो चुके और पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी टेम्पल, ये देखो गाइस इधर भी फ़ोन अलाउ नहीं है तो लॉकर में जमा कराना पड़ेगा। गाइस मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, इन सारे मंदिरों के दर्शन कर रखा हूँ पहले, एक बार मैं आया था स्कूल वालों की तरफ से, तो लोग जमा कराते हैं लॉकर में। मंदिर में आ चुके हैं, अभी दर्शन करेंगे वैष्णो देवी के, मंदिर में आ चुके हैं, हम आपको दर्शन और गाइस फोन अलाउ है, विशाल मूर्ति है यहाँ पे विष्णु देवी की, अंदर है मंदिर शायद, अंदर भी है मूर्ति दिखा दी, मूर्ति दिखाते हैं ऊपर चल के, गुटका पानी नशीले पदार्थ नहीं ला सकते, पीढ़ी सिगरेट चरस गांजा, तो चलो चलते हैं दिखा। Oh,
तो गाइस हम अब माता के नीचे के गुफा में आ चुके हैं, अंदर से बताएंगे अब अंदर का व्यू कैसा है। और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब आनंद आ रहा है यहाँ पे। साढ़े छः बज चुके हैं और आ चुके हैं, ये कोई मंदिर है कौन सा है यार पता ही नहीं मेरे को, ये वो लिखा प्रिया कांता जू मंदिर। चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको कैसा है, वीडियो बनाने जाएंगे। तो गाइस हम फिर से एक और टनल में घुस चुके हैं, वर्ज गुफा में घुस चुके हैं यहाँ पे। वर्ज की जो जो है उनको दर्शाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो कृष्ण जी। टाइम मैनेजमेंट
तो गाइस आप देख सकते हो ये वही महाराज है जो टीवी और यूट्यूब पे आते हैं। इन्हें हम रोज हमारे घर पे देखते हैं, मेरे दादाजी सुबह पहले। अब लाइव देख लिया, अब लाइव देख लिया। दादाजी आए नहीं, हम ही देखेंगे। दादाजी ऑटो में रह गए, उन्हें बताऊंगा दादाजी आपने कितना बड़ा मौका गवा दिया है महाराज को देखने। देव की नंदन ठाकुर जी महाराज को मेरे दादा सुबह 8 बजे रोज चला के देखते थे। मैं उन्हें बताऊंगा वो देखने लिए आए, गाड़ी में बैठे रह गए। गाड़ी में बैठे रह गए, हम बताते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। और बहुत यहाँ पर आ रखे, क्या नाम है इनका? कैलाश जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ये जो इनके पास आए, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा उनको देख के, हमने मनमोहित हो गया, हमने पहली बार देखा उन्हें, बहुत अच्छा लगा। बाकी अब चलते प्रेम मंदिर तक, चलते हैं वहाँ। ये मंदिर भी अभी तो इसका दर्शन कर ले, अंदर से नीचे से करें। तो गाइस देवकी नंदन जी महाराज आ रखे, तो हमने देख लिया उनको लाइव, और हम ये मंदिर देख कर आए। कैलाश जी मतलब नाम बोल देना करें। केमिकल डला है, आप देख सकते हो मंदिर में राम पत्थर भी है, तेर रहा है। वाला पत्थर जो राम पत्थर तेर रहा है, यहाँ पे दिखाओ पक्का पता है ना। हाँ यार राम पत्थर है, आप देख सकते हो इस पे राम नाम भी लिखा है, पत्थर लिखा है, लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, तो रास्ते में मंदिर से ज्यादा गोविंद धाम मंदिर, तो दर्शन कर लो बाहर से। प्रेम मंदिर दिखाता है।